हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 12. दिस इज योर कंप्यूटर क्लास, यू नो वेरी वेल. चलिए डियर स्टूडेंट्स, फोकस कर रहे हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे. इन माय लास्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन टिल थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी विल स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4. राइट एनी 5 कॉम्पोनेंट्स ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस. 5 कॉम्पोनेंट हमें लिखने हैं MS एक्सेस डाटाबेस के. लिखिएगा स्टूडेंट्स. देख पा रहे होंगे आप, आई होप. फाइव components of MS SS database are. 5 components of MS SS database are. Tables, reports, pages, forms and modulus. MODULES modulus. 5 कॉम्पोनेंट उसने मालूम किए स्टूडेंट्स. 5 कॉम्पोनेंट हमने डिस्क्राइब कर दिया. 5 कॉम्पोनेंट्स ऑफ MSSS डाटाबेस आर टेबल्स, रिपोर्ट्स, पेजेस, फॉर्म्स एंड मॉड्यूल्स. क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस इंटरफेरेंस विंडो. वेरियस पार्ट क्या हैं MS एक्सेस डाटाबेस के इंटरफेरेंस विंडो में. चलिए फोकस करते हैं. ठीक स्टूडेंट्स, फोकस कर रहे हैं हम आपके आंसर नंबर 5. क्या है देखिएगा, मैं अच्छे से फोकस कर दे रहा हूँ आपको. क्वेश्चन था आपका, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं. व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस इंटरफेस विंडो. वेरियस पार्ट के बारे में कहना है हमें, तो लिख देंगे हम. MSSS consists of the following parts. ठीक है, नंबर 1 में आप लिखेंगे, चाहे तो आप एज ए हेडिंग लिख सकते हैं, द रिवन. द रिवन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स. देखिएगा, यू विल राइट आल्सो हैंड टू हैंड. द रिवन कंटेन्स अ सीरीज. द रिवन कंटेन्स
अ सीरीज ऑफ कमांड टैप्स दैट कंटेन कमांड, यानी कि द रीवन कंटेन्स अ सीरीज ऑफ कमांड्स टैब दैट कंटेन कमांड्स ठीक है, द मेन कमांड टैब्स आर फाइल होम क्रिएट एक्सटर्नल डाटा एंड डाटाबेस टूल क्लियर। सेकंड में आप बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसी में चल रहा है, हम पार्ट्स के बारे में बात करें, वेरियस पार्ट के बारे में। मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए आपको बड़ा लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दिस बटन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एसएस विंडो। क्लियर। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म फंक्शन लाइक न्यू फाइल, ओपनिंग फाइल, आदि। थर्ड बात कर रहे हैं हम नेविगेशन पेन की। नेविगेशन पेन में क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा, व्हेन यू ओपन, जब आप ओपन करते हैं अ डाटाबेस, एक डाटाबेस को, when you open a database the names of your database objects appear, इन द पूरा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इन इट का मतलब नेविगेशन पेन की बात कर रहे हैं। व्हेन यू ओपन ए डाटाबेस, जब आप डाटाबेस को ओपन करते हैं, द नेम ऑफ योर डाटाबेस ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन नेविगेशन पेन, इट कीजिएगा, आप नेविगेशन पेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन इट, क्योंकि नेविगेशन पेन की बात चल रही है इसलिए हम इन्हें यहाँ पे इट यूज़ किया। फोर्थ लिखिएगा,
क्विक एसेस टूल बार, क्विक एसेस टूल बार का मतलब क्या है? द क्विक एक्सेस टूल बार इज अ टूल बार, ये एक ऐसा टूल बार है एडिशन टू द रिबन दैट अलाउज, जो अलाउ करता है वन क्लिक एसेस टू कमांड्स कमांड के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, द डिफॉल्ट सेट ऑफ कमांड्स इंक्लूड, द डिफॉल्ट मतलब जानते हैं जो पहले से ही होती है, द डिफॉल्ट सेट ऑफ कमांड्स include save undo and redo, इसमें undo और redo भी होते हैं। next and last workspace, यह क्या है workspace? तो this is the place, this is the place, यह एक place है where you actually create a table, जहाँ पर आप actually में क्या कर रहे हैं, table को create कर रहे हैं and carry out अदर डाटाबेस, और कहाँ ले जा रहे हैं, दूसरे डाटाबेस टास्क में, वो क्या कहलाता है आपका वर्क स्पेस कहलाता है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर, ये थोड़ा आंसर बड़ा है, मैंने पहले ही बोला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये आपका फर्स्ट कम्प्लीटली आ रहा है, सेकंड भी कम्प्लीटली आ रहा है, यहाँ तक कम्प्लीट है, थर्ड भी कम्प्लीट है, इसका थर्ड पार्ट कम्प्लीट, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके नेक्स्ट, यस ले लीजिएगा, थर्ड वाला टू टाइम्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे कॉपी कर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड यू विल डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक।